सारे प्रदेश में लगभग 2000 सेंटर हमने उनको ऑफर किए हैं। अब जो कंपनी है वो 2000 का उपयोग करती है या कम में काम चलाती है। 5 जिलों में अभी उनकी रिपोर्ट थी कि यहाँ सेंटर ना दिए जाए, हर कोई अपने अपने हिसाब से सेंटरों को उपयोग करता है। तो 5 जिलों में जैसे दादरी जिला है, झज्जर जिला है, रोहतक जिला है, जींद है, नूह है, तो ऐसे 5 जिलों में सेंटर वो नहीं बनाएंगे, बाकी सब 17 जिलों के अंदर सेंटर बनेंगे। और 5 जिले तो कथिया छोड़ दिए, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, दादरी, इनको तो डाकू घोषित कर दिया, ये तो नकलची घोषित कर दिए। ये एचपीएच एसएससी ने भी जो भी सेंटर करवाने हैं उनने भी अब यहां पर तो नकल हो, इसका मतलब तुम्हारा सिस्टम फेल है, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं है। रोहतक वाले चोर घोषित कर दिए, सोनीपत वाले, जींद वाले, झज्जर वाले, दादरी वाले, अब यहां गड़बड़ो है, इसका मतलब था भाई थारे देख बस का है ही नहीं। फिर अगर सरकार, ये कहां गया वो नारा, एक हरियाणा एक हरियाणवी, एक हरियाणा एक हरियाणवी, मुख्यमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे अब यहां ज्यादा नकल होती थी। अरे जब यहां सेंटर नहीं दे रखा था जिन सेंटर जिन उन पेपरा में, उसके बावजूद पेपर आउट हो ना हो, जब रोक लिया गया था नहीं, तो क्यों बदनाम करो भाई इन जिला ने, इन जिला के लोगों ने क्यों बदनाम करा सरकार। अगर तगाले नकलची है, सोनीपत वाले, जींद वाले, सारे सुन लियो तुमने, नकलची बता रखे सरकार ने, अगर नकलची है तो थरते जब इतने नहीं रोकते, थारे पास इतना सिस्टम है नहीं रोकने का, अरीब जकर नाल मत हो गया था पेपर आउट, फिर अरे फिर क्या करोगे।